अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त बलूचिस्तान स्वीट डेरा बुट्टी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घर में पूरे का पूरा अंधेरा है और यहाँ पे तकरीबन 12 से 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है और इंटरनेट सर्विस बिल्कुल भी यहाँ पे बहाल नहीं है, ना 3G और 4G है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई वाईफाई नेटवर्क, कोई सिग्नल नहीं है। और इसके बाद अगर मैं डेटा ऑन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ ई नज़र आ रहा है और जिससे कुछ भी नहीं चलेगा और ना ही कोई व्हाट्सएप के मैसेज रिसीव होते हैं, ना कुछ भी। 2G भी बिल्कुल नहीं चल रहा है इधर। इसके अलावा यहाँ पे मैं लेक्चर्स डाउनलोड करके अपने लैपटॉप को फुली चार्ज करता हूँ और 41 डिग्री सी इस टाइम सुई के अंदर टेम्परेचर है। इस गर्मी में मैं वहाँ पर ओपन स्काई पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वेस्को वालों जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिजली बहाल नहीं कर रहे। सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले HSE वालों को चाहिए कि हमारे सर्विसेज बहाल की जाएं, जो बलूचिस्तान और एक्सफाटा के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज, उनमें सर्विसेज बहाल करें, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें ताकि हमारे लिए भी वो सहूलियात हो सकें। सिर्फ लाहौर और कराची के लड़कों को नहीं देखना चाहिए, जो बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज हैं उनको भी देखना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।